अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मरी वेदर। और इस वक्त एक इंतहाई खूबसूरत ब्रेथ टेकिंग व्यू आपके सामने है और आपको लग रहा होगा कि दिस इज स्टिल फोटोग्राफ, ये किसी सीनरी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो मत सोचिएगा दिस इज लाइव ट्रांसमिशन। अमर मुर्ज़ा, शबाना अजहर, वसीम, मोहम्मद, नोमी गुजर, आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। नथिया गली पैराडाइज पॉइंट से आप सबको खुश आमदीद। इंतहाई खूबसूरत मौसम, इंतहाई खूबसूरत मंजर। वो नीचे जाना, वहाँ पे लिखा हुआ आई लव नथिया गली, वहाँ पे जाके बना लेना। जवाद अहमद, वालेकुम सलाम। जवाद भाई, आप सबको वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ जी। शेयर कर दीजिएगा इस खूबसूरत तरीन मंजर को। सुभान अल्लाह, क्या ही ब्यूटीफुल इस वक्त एटमॉस्फेयर है। नीला आसमान, दर्जा हरारत इस वक्त यहाँ पे है 20 सेंटीग्रेड और आसमान के ऊपर अटकेलियाँ करते हुए बादल। मुझे बताइएगा कि आपके पास वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। अमर मुर्ज़ा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपनी सुनाएं, आप ठीक हैं, तबीयत ठीक है। और शेयर करें दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, सबको इस खूबसूरत मंजर दिखाएं जी। नथिया गली पैराडाइज पॉइंट। तहर अयूब हमारे साथ हैं, मलिक जवेद यूनिस कह रहे हैं जी ब्यूटीफुल, बहुत शुक्रिया। और मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। ये देखें बादलों को, देखें माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत क्लाउड्स हैं। और सेंट मैथ्यू चर्च है, तकरीबन 150 साल पुराना, 160-170 साल पुराना सेंट मैथ्यू चर्च, नथिया गली का सबसे मोस्ट फेमस लैंडमार्क है। इस वक्त आप देख रहे हैं शहजादी नदीम, मरी में तो ऐसा कुछ भी नहीं। अब देखें जी, अब यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ पे भी अब गिराना शुरू कर दिया है, दरख्तों को काटना शुरू कर दिया है, तो वाकई सही बात है। ये ज़िप लाइन आप देख रहे हैं, आज मेरे ख्याल में बंद है, नहीं तो इस ज़िप लाइन से आप वहाँ सामने छोटी सी एक जर्नी कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। समीना सैमा अनवर है, माशाल्लाह कह रही हैं, इरम दिशा शेयर दिस लाइव फ्राम नथिया गली जी, बिल्कुल शेयर कर दीजिए। और अभी तक सिर्फ 37 शेयर हुए हैं और तकरीबन 100 के करीब लोग देख रहे थे, अब 69 हैं। तो वीडियो क्वालिटी का मुझे बता दीजिए कि वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। फिर मैं आपको मेरन जानी की भी एक ज़्यारत करवाता हूँ, दर्शन करवाता हूँ मेरन जानी का भी, वो भी बड़ा खूबसूरत पहाड़ है जी इस इलाके का। चलते हैं जी, ये देखिए ये देखिए क्या ही खूबसूरत पॉइंट है इस वक्त, और सामने आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आई लव नथिया गली। अजहर महमूद है हमारे साथ, वालेकुम सलाम। रमीज जिलानी है, फराज तहर बाजवा ने कहा जी 1995 में मैं यहाँ आया था, गुड हो गया, आपकी यादें ताज़ा कराते हैं। और ये देखिए मेरन जानी, गलियात का सबसे बुलंद पहाड़ और उसके ऊपर छाए हुए खूबसूरत बादल। ये मंज़र तो बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग व्यू है, इस तरीके से लगता है कि आप कोई सीनरी देख रहे हैं, है ना ऐसा। देखिए कितना ही अमेजिंग इनक्रेडिबल व्यू है, और स्क्रीनशॉट तो ज़रूर बनाइएगा इस मंज़र का। सुभान अल्लाह, मैं स्टिल कर रहा हूँ ताकि आप अच्छा अच्छा स्क्रीनशॉट इसका कैप्चर कर लीजिए। नो बेटर, इरमदिल शाह ने कहा, बस यहाँ पे आपको पता है इंटरनेट के बहुत इशू हैं, बहुत ज़्यादा, कभी ब्लर हो जाती है फिर HD, क्या करें जी, गुजारा कीजिए, जैसा भी है गुजारा कीजिए। रहीम खान जदून, वालेकुम सलाम, गुड आफ्टरनून रहीम भाई, कैसे हैं। हक नवाज़, क्वालिटी वेरी गुड, चलें जी अच्छी बात है, अब गुड हो गया, मैं इसीलिए स्टिल हो गया हूँ कि यहाँ पे इंटरनेट का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है।
और ये देखिए ग्रेट एटमॉस्फेयर, ब्लू स्काई, ज़बरदस्त किस्म की धूप है लेकिन टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड है। सफाई यहाँ पे बहुत है जी, मरी की नस्बत यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई है, बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखा जा रहा है। आशी पिंकी हैं, हक नवाज़ हैं, मिरन जानी इज़ लव, रमेश जलानी कभी गए हों इस ट्रैक के ऊपर? मिरन जानी ट्रैक सर की है ये चोटी या नहीं की? मैं तो इस चोटी के ऊपर तकरीबन 7 बार जा चुका हूँ। ये देखिए सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत मंजर है जी। आसमान के ऊपर बादल देखिए, अमेजिंग। वीडियो का मुझे बताते रहिएगा कि अगर वीडियो किसी भी जगह पे ब्लर होना शुरू हो जाए मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको सही कर दूंगा। बल्कि वाकई अभी तो मेरे पास वाकई सिग्नल नहीं आ रहे यार। अदर महमूद कह रहे हैं मलिक साहब वापसी पे तोहीदाबाद डोंगा गली के बाद VNN आपकी राइट साइड पे आएगा, वहाँ टी टाइम, आप इंजॉय कीजिए। AMC बताइए जी रिज़ल्ट ठीक है? अपडेट कीजिएगा, मुझे नहीं लग रहा कि आपके पास लाइव चल रही है क्योंकि मेरे पास इंटरनेट बिल्कुल ही नहीं है। क्या वजह जी मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? कमाल हो गया वैसे, मुझे अब कमेंट भी नज़र आना ख़त्म हो गए हैं आप सबके। हाँ अब कमेंट आए हैं जी। आशिफिंग ने कहा जी एक्सीलेंट व्यू, मरे मामा ने कहा जी फूल भेजे, ज़मीर शाह ने कहा जी खूबसूरत, अब तो ठीक है। शहजादी नदीम ने कहा बस वो आपके पास ठीक होगी जी, मेरे पास नेट उड़ गया था। जूम इन करते हैं जी इस पहाड़ को, मेरन जानी का खूबसूरत मंजर ये देखिए, टॉप आपको नज़र आ रहा होगा मेरन जानी टॉप, बहुत ही खूबसूरत मंजर ये देखिए। इसको मजीद जूम इन करते हैं और खूबसूरत बादल देखिए, इंतहाई ज़बरदस्त अमेजिंग व्यू। खुरम रहमतुल्लाह हैं हमारे साथ, दिल भेज रहे हैं, जाम मज़हर हैं, जवाद अहमद पुरसकून रोड जी बिल्कुल, मोहम्मद सलमान अबरार हैं, राना जहाँजेब हैं, इनको भी वेलकम करते हैं, खुश आमदीद। ये देखिए जी मेरन जानी टॉप, इसको मज़ीद जूम करते हैं जी, तो इसके ऊपर गंजे से दरख्त बाकी हैं लेकिन इसको कवर्ड होना चाहिए जी, यहाँ पे दरख्त लगाने चाहिए टॉप के ऊपर। और कितना ही खूबसूरत मंजर है जी, सुभान अल्लाह, लुक एट दिस व्यू, दिस इज़ द एक्चुअल व्यू। आपको पार्क साइड अब दिखाता हूँ जी, अपने मिरन जानी भी देख लिया। विजिटर्स यहाँ पे आए हुए हैं ओपनिंग के बाद, विजिटर्स यहाँ पे आए हुए हैं। ये देखें जी अभी मैं आपको पैराडाइज पॉइंट दिखाता हूँ, ये देखिए जी, ये स्क्रीनशॉट बना लीजिए, आई लव नथिया गली, नो डाउट वी लव पाकिस्तान, और ये लिखा हुआ है जी आई लव नथिया गली। गुड़िया जहद हैं जी, मेरा नेम भी ले लें मुझे तसल्ली हो। चलें जी गुड़िया जहद आपका नाम ले लेते हैं, आपको तसल्ली हो जाएगी। रहीम खान जदून चल रही है, ओके जी अच्छी बात है। और ये सामने फेमस चर्च, ये देखिए दिस इज द रियल ब्यूटी ऑफ गलियात एंड पाकिस्तान। यहाँ से भी आपको मिरन जानी का एक व्यू दिखाता हूँ, आपको कश्मीर के पहाड़ों का व्यू दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। ये देखिएगा इंतहाई खूबसूरत मंजर, सुभान अल्लाह।
नेचुरल ब्यूटी, क्या ही खूबसूरत क्लाउड्स, और सामने आपको नारायण कगान के पहाड़ नजर आ रहे होंगे, वो देखिए। अभी जूम इन करता हूँ मैं, फिर आपको ज़्यादा वो वाजे नज़र आएगा। काजी नाग और मूसा का मुसल्ला, उसके अलावा आपको जो मशहूर पहाड़ है सिरी पाए से ऊपर, ये देखिए, मुझे थोड़ा सा जूम इन करने दीजिए। कोहे मकड़ा, ये देखें, दिस इज़ कोहे मकड़ा। जब आप शुगरा जाते हैं, शुगरा से आप सिरी पाए जाते हैं, तो सिरी पाए के ऊपर आपको जो पहाड़ मिलता है कोहे मकड़ा, वो इस वक्त आप देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप काजी नाग के पहाड़ देख रहे हैं, ये फुल बर्फ़ से लदे हुए हैं, ढके हुए हैं। आबिद अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करता हूँ। और मूसा का मुसल्ला की एक झलक देख लीजिए जी, ये नज़र आ रही है जी, जहाँ पे आपको मरी वेदर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पे आपको एक सफ़ेद सी बर्फ़ नज़र आ रही होगी टॉप के ऊपर। तो ये मूसा का मुसल्ला है, और कोहे मकड़ा, नारायण के पहाड़, कागान के, और फिर वहाँ से नीलम वैली के, काजी नाग, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, ये पूरे के पूरे आपको ये बर्फ़ पोश पहाड़ नज़र आ रहे हैं। मज़ीद जूम इन कर रहा हूँ, बहुत दूर हैं वैसे, लेकिन विजिबिलिटी अच्छी है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, लेकिन आपको ये मंज़र नज़र आ रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत। दिस इज़ द एक्चुअल व्यू, ये देखिए, सामने बिल्कुल आपको मुजफ़्फ़राबाद के पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट अगर नीचे देखें तो आपको मुजफ़्फ़राबाद के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। मोहम्मद काशिफ हैं हमारे साथ, रमीज जिलानी, मियां अशफाक, सुंदर मार्केट जंगलात, सरदार मुश्ताक कह रहे हैं, चौधरी अब्दुल जब हमीद साहब हैं जी। बादल वाला क्या, अब तो बारिश हुई है, पूरे 3 दिन तो बारिश होती रही है। सैफुर रहमान साहब, आतिफ अब्बास हैं, राणा अमजद इकबाल हैं, दानिश हैं, उमेर चौधरी, एडवेंचर के शौकीन को मज़ा नहीं आ रहा। कैसे जी, एडवेंचर के शौकीन को मज़ा नहीं आ रहा उमेर भाई? महफूज मुग़ल हैं हमारे साथ, शकील बलोच जी कह रहे हैं, गंगा चोटी, सरदार मुश्ताक, गंगा चोटी यहाँ से नज़र नहीं आ रही जी, वो अदर साइड के ऊपर है, गंगा चोटी यहाँ से नज़र नहीं आएगी, ये देख लीजिए, गंगा चोटी यहाँ से नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो ज़िला बाग में है, तो वो मुश्कपुरी टाप से ज़्यादा नज़र आती है। और बाज़ुकात तोहीदाबाद डोंगा गली के नज़दीक एक मकाम है, जहाँ पर हमें कभी कभार जो मुर्शिद है नांगा पर्वत, वो भी हमें नज़र आ सकता है। ये मैं गंगा चोटी को फोकस करने जा रहा हूँ जी, थोड़ा सा मुझे टॉप उसका नज़र आ रहा है, गंगा चोटी का बिल्कुल छोटी सी टिन्नी सी, अभी मैं जूम इन करता हूँ जी, ये देख लीजिए, ये गंगा चोटी है जी, जहाँ पे मरी वेदर लिखा हुआ आ रहा है, उसके बैक साइड के ऊपर जो पहाड़ है वहाँ भी आपको जो चोटी नज़र आ रही है सर उठा के, ये गंगा चोटी है जहाँ पर मरी वेदर लिखा हुआ आ रहा है, हल्की सी झलक है यहाँ से, वो नज़र नहीं आती। और ये मुश्कपुरी टॉप यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ, ये ग्रीन ग्रीन जो आपको टॉप नज़र आ रहा है, यहाँ पे मरी वेदर लिखा हुआ है, बादल हैं, ये मुश्कपुरी टॉप है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग, इनक्रेडिबल। नीला आसमान देखिए और सुरमई बादल देखिए, ये किसी भी टाइम यहाँ पर बरस सकते हैं, इनकी तैयारी हमें लग रही है कि ये बारिश का सबब अभी बन जाएंगे किसी भी वक्त। तो सूरज माशाल्लाह आबो ताप से चमक रहा है, ये देखिए ब्राइट सनशाइन, लेकिन टेम्परेचर है यहाँ पे 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो ग्रेट एटमॉस्फेयर है, बेहतरीन खूबसूरत आज पिक्चर्स क्यों मनाजिर हैं, आप दूर दूर तक, सैकड़ों किलोमीटर दूर आप पूरे इंडियन ऑक्युपाइड नीलम वैली, नालान वैली, कागान, सबके जो बर्फ़ पोश पहाड़ हैं वो आपकी नज़रों के सामने हैं जी। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर ज़रूर कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर्स करें, अपने पाकिस्तान की ब्यूटी को प्रमोट करें। जी जवाद भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
अच्छा ज़ुबैर, माशाल्लाह कह रही हैं इरम दिलशाद इंतहाई खूबसूरत और मसूर कौन मनाजिर। जी बिल्कुल, हबीबुल्ला बलोच हमारे साथ हैं, आपको भी वेलकम करता हूं जी। सैफुर रहमान साहब, जून में नथिया गली आ जाएं तो बेहतर है, जुलाई में मौसम फिर ठंडा हो जाएगा, तो जून की जो गर्मी है उस गर्मी को शिकस्त देने के लिए नथिया गली बेस्ट प्लेस है। वैसे भी 3 दिन के बाद शदीद गर्मी पड़ेगी पूरे पाकिस्तान में, तो फिर ठंडे ठंडे पहाड़ याद आएंगे सबको। चलें जी, इजाज़त चाहता हूँ आप सबसे, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला वेट कीजिएगा, फिर किसी और मकाम से आपके साथ लाइव आऊँगा थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद जी।